नमस्कार, मैं आजू शर्मा पर्पल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, एग्जाम्स का टाइम आ गया, मार्च आने वाला है और बच्चे बहुत प्रेशराइज है एग्जाम्स को लेके। टू टाइप्स के बच्चे होते हैं, ठीक है। एक होते हैं काफ़ी सुपीरियर, जो टीचर के साथ साथ स्टडी अपनी कंटिन्यू करते हैं, और एक होते हैं पूरा साल उन्होंने पढ़ना नहीं, और जब एग्जाम्स आने वाले होते हैं तो उसके 2-3 महीने पहले वो इतना बर्डन ले लेते हैं कि हाँ मार्च आने वाला है, हम कैसे पढ़ेंगे, अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, अब तो हम फेल हो जाएंगे। अब बच्चों में मतलब नेगेटिविटी आ जाती है। तो आज मैं बच्चों को कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आई होप वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल ही रहेगा। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ तो वो है रेगुलर स्टडी की। कुछ बच्चे होते हैं जो रेगुलर स्टडी नहीं करते। अब देखो, मान लो आपको टीचर ने पढ़ाया, आज टीचर ने पढ़ाया, तो आपका मेन एम मोटिव ये होना चाहिए कि आप घर जाके उसको पढ़ो, एक बार रिवाइज करो। बट ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ बच्चे होते हैं जो टीचर के साथ साथ पढ़ लेते हैं, अदरवाइज कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, हम कल जाके पढ़ेंगे या फिर परसों जाके पढ़ेंगे। तो वो कल परसों करते करते ऐसा होता है कि मार्च महीना आ जाता है। तो मेन बात ये है कि ऐसा ना करते हुए आपको टीचर के साथ साथ अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी। जो टीचर ने आज पढ़ाया उसको आप साथ साथ में पढ़ लो, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सेकंड वन थिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट, वो है डेली क्लास अटेंड। अब आप देखोगे स्कूल या कॉलेजेस में, मोस्ट मैंने स्कूल कॉलेज में देखा है कि बच्चे घर से आ जाते हैं, ना वो बच्चे कॉलेज पहुंचते हैं ना वो बच्चे घर में होते हैं। तो मेन सी बात है कि वो बीच रास्ते में से फरार, तो मेन बात ये है कि वो बंक मार लेते हैं। तो अब आप कॉमन सी बात है, इतनी मेंटेलिटी आप खुद लगाओ, जो टीचर ने आज पढ़ाया अगर आप लोग आज नहीं आ रहे तो वो आपके लिए कल उस बात को नहीं पढ़ाएंगे, फिर से उस टॉपिक को नहीं पढ़ाएंगे। उससे क्या होता है कि वो टॉपिक छूट जाता है, उसमें किसका लॉस हुआ, आपका, टीचर्स का कुछ नहीं गया। तो इसीलिए बच्चों जितना हो सकता है अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो, क्लास कंटिन्यू लगवाओ, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ज़्यादा आप बंक करोगे तो उसमें आपका नुकसान है। एंड थर्ड वन थिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट, टाइम टेबल फॉर स्टडी। अब देखो टाइम टेबल, आपको पता है टाइम टेबल एक ऐसी आज की जरूरत बन चुकी है, बिना टाइम टेबल के काम करना मुश्किल है। मान लो आप देखो, आप पढ़ाई का टाइम टेबल ही बनाते हो, बाकी आप सब चीज़ का टाइम टेबल बनाते हो। आप देखो सबसे पहले सुबह उठोगे, ब्रश, बाथिंग, फिर ब्रेकफास्ट करना, सब कुछ। तो इसी तरह जैसे आपके स्कूल्स में टाइम टेबल क्यों होता है, टाइम पीरियड क्यों होता है, ताकि आप इक्वल हर सब्जेक्ट्स को टाइम दे सको, ठीक है। उसी तरह मान लो आप स्कूल से आते हो, आए अपना फ्रेश हुए, खाना खाया, थोड़ी देर मस्ती की, बोलते ना पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है, अपना खेल भी किया, बट मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अपनी एग्जाम्स को इक्वलिटी में टाइम दो। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ लिया, एक कम पढ़ लिया, एक को ज़्यादा टाइम दे लिया, एक को कम टाइम दे लिया, दोनों सभी को बराबर टाइम दो, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और फोर्थ वन इज रिविजन। कुछ बच्चे होते हैं वो रिविजन नहीं करते। मान लो आज टीचर ने पढ़ाया, आज पढ़ लिया, ठीक है, अब बोलेंगे हम एग्जाम के टाइम पढ़ेंगे, तो वो थोड़ा सिस्टम वहाँ गड़बड़ा जाता है। तो फिर शायद जब आप एग्जाम से पहले बुक खोलते हो तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता है, ये तो पढ़ा था उस टाइम, क्या है, याद नहीं आ रहा, वो गड़बड़ कर जाता है। तो मेन ये है कि जो रोज का रोज रिवाइज करो, आज पढ़ा, ठीक है, आज आपको पढ़ाया गया, आपने आज पढ़ा, कल उसी चीज को एक बार नजर मार लो। ये है कि माइंड में बार बार वो बात अगर रिपीट होती रहेगी ना तो वो आपको याद रहेगा। फाइव वन इज ग्रुप स्टडी डिस्कशन इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ग्रुप स्टडी डिस्कशन होता क्या है, पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। मान लो एक ग्रुप है आपका, टीचर ने एक ग्रुप बनाया, 7 लोगों का ग्रुप बनाया, तो उन 7ों में ये नहीं है कि उन 7ों में सारे बच्चे सुपीरियर है। ग्रुप इस तरह का होता है कि 2 बच्चे सुपीरियर है, 3 बच्चे नॉर्मल है, 2 बच्चे एवरेज है, ठीक है। तो अगर टीचर का पढ़ाया हुआ आई नो समझ आता है, पर किसी हद तक अगर आप ग्रुप स्टडी डिस्कशन करोगे, फ्रेंड्स के साथ बैठोगे, एक चीज के ऊपर बात करोगे, सभी बच्चे अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, तो एक टाइम ऐसा आता है आप उस बात को सीख जाते हो, एवरेज वाले बच्चे भी उस बात को सीख जाते हैं। तो आज के ट्यूशन मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्यूशन है, ट्यूशन को ग्रुप स्टडी डिस्कशन बोल सकते हो आप, क्योंकि वहाँ पे सारे फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं, आपस में बैठ के बातचीत करना, एक टॉपिक के ऊपर अपना कंसंट्रेट करना, उससे आपकी स्टडी एक ठीक लेवल तक आ जाती है, उससे आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एग्जाम्स के लिए। तो जितना हो सकता है ग्रुप स्टडी डिस्कशन करो आप लोग, और लास्ट परीक्षा में तनाव से दूर रहें सबसे बड़ी बात। और यही बात जो मैंने आप लोगों को बोली, टेंशन बच्चे बड़ी जल्दी ले लेते हैं। पहले जैसे मैंने आपको बताया, एक पहली बात अपनी स्टडी कंटिन्यू रखो। अगर आप स्टडी कंटिन्यू रखोगे कॉमन सी बात, आपको स्ट्रेस नहीं होगा। बट एक टाइम ऐसा आता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं बहुत टाइम है अभी, क्या अभी तो 7 महीने पड़े हैं। एक टाइम ऐसा आता है, अरे यार 5 महीने पड़े, आराम से पढ़ेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा फरवरी आ जाता है, अब क्या करें, अब क्या करें, इतना स्ट्रेस बच्चे दिमाग में ले लेते हैं, अब तो हम पास नहीं होंगे, अब तो अगर कहीं हम फेल हो गए तो घर वाले क्या बोलेंगे। उस चक्कर में जो पढ़ना होता है वो भी आप भूल जाते हो। तो उनसे भी नेगेटिविटी को दूर करो। अगर आपके पास 2-3 महीने तब भी आप स्टडी कर सकते हो ढंग से, बस ये होता है कि अपने विल पावर को स्ट्रांग करना पड़ेगा। अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है ना, देन आप
चीज को क्लियर कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, मतलब अपने दिमाग में नेगेटिविटी नहीं आने देनी है। और सबसे बड़ी बात, सुबह उठकर जल्दी पढ़ो। अब देखो आप पूरा दिन थके होते हो, इम्पोर्टेंट स्टडी, स्कूल में गए, कॉलेज में गए, दिमाग इधर उधर, घर वालों की बातें, तो स्टडी में कॉमन सी बात है, नहीं ध्यान लगता। मैं अपनी बात करूँ, मेरा भी नहीं लगता। तो उसके लिए जैसे मैं सुबह, मान लो आपका सारा दिन दिमाग डिस्ट्रैक्ट कर दिया होता है लोगों ने, इधर की बातें उधर की बातें, आप स्टडी नहीं कर पाते, तो सबसे बड़ी बात है कि आप सुबह जल्दी उठो। क्योंकि सुबह ऐसा होता है आपको कोई भी ध्यान आपका डाइवर्ट करने वाला नहीं होता, जिससे कि आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो, ऐसा कोई भी आपके पास इंसान नहीं होता। सुबह आराम से जल्दी उठो, मेरी तरह जितना हो सकता है 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे, वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोगों ने कितने बजे उठना है। अपना आराम से 4-5 बजे उठे, अपना स्टडी किया जो पूरे दिन का, अगर आपको याद नहीं होता, सुबह एक ऐसी चीज है, फ्रेश माइंड होता है आपका, उस टाइम आपको जो चीज याद नहीं होती आपको वो चीज आराम से याद हो जाती है। तो जितना हो सकता है, अगर बच्चों को रात को याद नहीं होता तो आप सुबह उठ के उस चीज को पढ़ो, वो काफी हेल्पफुल रहेगा और ज्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड तक वो आपके माइंड में सेट भी रहेगा। और सबसे मेन बात है कंसंट्रेशन की, ठीक है, कंसंट्रेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आप लोगों का कंसंट्रेशन नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता आप लोग कुछ कर पाओगे, क्योंकि आजकल कंसंट्रेशन तोड़ने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है फोन। तो इतना हो सकता है बच्चे फोन को अवॉइड करें, और माता पिता से एक रिक्वेस्ट है कि प्लस टू से पहले अपने बच्चों को फोन ना दे, प्लस टू के बाद जब कॉलेज में हो जाते हैं हाँ तब उनको फोन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसमें नेट चाहिए होता है, कुछ टॉपिक होते हैं जो टीचर की तरह उसको समझ नहीं आते हैं। तो इतना हो सकता है फोन को अवॉइड करके प्लस टू तक, ऐसा है ना, अपनी एक बार बोलते ना घर तभी बनता है जब उसकी नींव पक्की हो, ठीक है। तो आपकी नींव प्लस टू तक ऐसी होती है, जब नींव बनगी, नींव पक्की होगी ना, तो आपका फिर फ्यूचर ब्राइट है, उस फ्यूचर को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और अब सारी बात का कंक्लूजन इतना सा बोलूंगी कि सारे बच्चे अपनी नेगेटिविटी को दूर करें, कि ये नहीं है कि हाँ आप लोग अब नहीं कर सकते, अपनी नेगेटिविटी को दूर रखें, आप सब कुछ कर सकते हो। और कुछ बच्चे को मैं ये देखती हूँ कि जब अब एग्जाम का टाइम है 18-18 घंटे पढ़ेंगे, जो बच्चे पूरा साल नहीं पढ़ते 18-18 घंटे पढ़ेंगे, उन्होंने उसमें क्या होता है कि आपका ध्यान इतना हो सकता है, बोलते ना वो बुलशिट यार अब तो याद ही नहीं हो रहा, ये हो गया, और बच्चे इतना स्ट्रेस को अवॉइड करें। 18 घंटे नहीं पढ़ना, 10 घंटे पढ़ो, 10 घंटे में से 2-3 घंटे जो आपका फेवरेट पार्ट है, आपका प्लेइंग है, आपका गेम खेलना है, उसको करो, जिससे कि आपका माइंड फ्रेश हो सके। और जाते जाते बस इतनी सी बात बोलूंगी कि बच्चों टेंशन ही लेनी, एग्जाम का टाइम अभी मार्च काफी दूर है, अभी भी आपके पास काफी टाइम है, अपना आराम से फटाफट पढ़ ले जितना हो सकता है, और टेंशन ही लेनी। और बेस्ट ऑफ लक, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय।